तो स्वागत है हमारे चैनल एस गेमिंग पर। आज हम लोग पोकेमोन डाउनलोड पोकेमोन सनमून को डाउनलोड करने के बारे में बात करेंगे, कैसे डाउनलोड किया जाता है। तो ये गेम ऑनलाइन है, हमें इसे मल्टीप्लाई खेलना पड़ता है, नेट चाहिए होगा इसे खेलने के लिए। तो इसको नेट चाहिए होगा चलाने के लिए, ज़्यादा नेट नहीं लेगा बस। लेकिन इस गेम को डाउनलोड करने के लिए हमें डाटा चाहिए 450 MB, 450 MB के अंदर हमें चाहिए डाटा, और फ़ोन पर स्पेस चाहिए हमें 800 MB के अंदर। तो कम से कम फ़ोन में स्पेस चाहिए 800 MB के अंदर। फिर हमें कम से कम एक ऐप के भी डाउनलोड करना है, तो इसलिए मैंने मिला के बोला है 800 MB के अंदर। जेडर पे वो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 MB के अंदर ही है ये ऐप आता है। तो जेड आर्काइवर हमें इसलिए डाउनलोड करना है क्योंकि इसे फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि इस फाइल में पासवर्ड लगा है, क्योंकि फाइल में पासवर्ड लगा रहता है तो सारे फाइल में नियर से नहीं हो पाता। तो जेड आर्काइवर से हम करेंगे, जेड आर्काइवर सबसे अच्छा है। तो पहले मैं डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है पोकेमोन सनमून का, वो कंप्रेस फाइल है 7 GB का। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक करेंगे तो हमारे स्क्रीन में कुछ ऐसा आ जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे क्लिक करने के बाद जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उसमें ये पेज खुल के आ जाएगा, ये वेबसाइट। फिर हम स्क्रॉल करना नीचे, मेरा पोकेमोन सनमून डाउनलोड रहेगा, क्लिक है तो डाउनलोड पर क्लिक करना। तो मैंने कर दिया, और यहाँ पर पूछे कौन सा ब्राउज़र, तो मैं क्रोम कर रहा हूँ। तो ऐसा आ जाएगा, तो हमें ऊपर वाले लिंक पर क्लिक करना है डाउनलोड आइकन का, गूगल ड्राइव का ये ब्राउज़र। तो डाउनलोड लिंक आइकन में क्लिक करना है, फिर यहाँ पे जो भी ब्राउज़र से क्लिक कर देना है। तो मैंने फिर से क्रोम में किया था, तो फिर से डाउनलोड एनी वे में क्लिक करना है, तो मैंने कर दिया। फिर से नाउ करके डाउनलोड डन कर देना है। फिर ऊपर में जो 3 डॉट आइकन है ऊपर में राइट साइड में, तो उसमें क्लिक करना है। फिर वहाँ पर नीचे पर डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। तो मैंने डाउनलोड पर क्लिक कर दिया, कर दिया। फिर उसके बाद ऐसा आ जाएगा, फिर जब ये टोटल 470 MB का है, तो जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो हमें एक ऐप डाउनलोड करना है जेड आर्काइवर, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि जेड आर्काइवर डाउनलोड करना है। तो 10 MB के अंदर आएगा, तो मैं दिखा रहा हूँ फिल्म में कैसे डाउनलोड करना है। तो फिर हमें अपना प्ले स्टोर खोल लेना है, अकाउंट नहीं तो अकाउंट बना लेना। तो प्ले स्टोर खोलने के बाद हमें सर्च पे क्लिक करना है ऊपर पे, फिर उसके बाद यहाँ पे सर्च करना है ZARCHIDER, जेड आर्काइवर, तो इसे सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर ऊपर में एक आएगा, वो ये है जेड आर्काइवर। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, मैं इंस्टॉल कर लेना है। फिर डाउनलोड होने के बाद हमें करना है, मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ क्या करना है। तो अब हमें जेड आर्काइवर को ओपन कर लेना है। तो ओपन मैंने कर लिया, फिर ऊपर में हमें डिवाइस मेमोरी सेलेक्ट कर लेना है, किसी किसी का होता नहीं है। तो डिवाइस मेमोरी सेलेक्ट करने के बाद नीचे में डाउनलोड ढूंढना है, डाउनलोड फोल्डर को, वहाँ पे लिखा रहेगा डाउनलोड। फिर इसे ओपन कर लेना है, फिर पोकेमोन सनमून .7 फाइल ढूंढना है। फिर जब वो अगर मिल जाएगा तो हमें इसे क्लिक कर देना है एक बार, मैंने ऐसे किया एक बार क्लिक, फिर एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक करना है। एक्सट्रैक्ट हेयर, फिर एक्सट्रैक्ट हेयर करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा, तो कर लेना K6395। तो मैंने डाल लिया पासवर्ड, तो फिर उसके बाद ओके कर देना। मैं थोड़ा दिखा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैंने ओके कर दिया। फिर उसके बाद ये एक्सट्रैक्ट होने लगेगा, तो जब एक्सट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हमें नीचे ढूंढना है पोकेमोन सनमून .apk नाम का फाइल ढूंढना है हमें। तो जब वो मिल जाएगा तो हमें उसे क्लिक कर देना है एक बार, मैं दिखा दे रहा हूँ यही फाइल है ना, तो यही फाइल है, तो मैं दिखा दे रहा हूँ पोकेमोन सनमून .apk।
तो हमें इस पे इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। इंस्टॉल तो मैं दिखा दे रहा हूँ, बीच में फिर से दिखा रहा हूँ, क्लिक करना है बीच में फिर इंस्टॉल पर। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद थोड़ा देर स्टार्टिंग ऐप लिख के आएगा, या तो नहीं भी लिख के आ सकता है। थोड़ा देर रुक जाना है, कुछ भी नहीं करने, बैक भी नहीं करने, बस ऐसे ही छोड़ देना है। फिर उसके बाद अपने आप जो ऑप्शन आएगा कैंसिल और सेटिंग, सेटिंग पर क्लिक कर देना है। तो सेटिंग में जाने के बाद हमें अननोन सोर्स को इनेबल कर लेना है। अननोन सोर्स लिखा रहेगा, फिर उसके आगे इनेबल कर लेना है। मैंने इनेबल कर दिया, उसके बाद ऊपर से बैक आ जाना है। फिर यहाँ पे कैंसिल इंस्टॉल का बटन आएगा, हमें इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। कहीं भी क्लिक मत करना वरना फ़ोन हैंग खाने लग जाता है। मेरा भी खाया था गलती से, मेरा क्लिक हो गया था। तो बस इससे ये जो पोकेमोन सन मून है उससे क्लिक कर सकते हैं, और कहीं भी नहीं क्लिक करना, बंद भी मत करना, बैग भी मत करना, बस कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल लेकिन करना मत, जब इंस्टॉलिंग हो जाएगा तो मैं दिखा रहा हूँ क्या करना है। अब इंस्टॉलिंग बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि ये इंस्टॉलिंग हो रहा है। इंस्टॉलिंग बस कंप्लीट होने वाला है थोड़ा देर में, क्योंकि यहाँ कैंसिल का बटन हट गया है। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो हमें डन पर क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक करने के बाद हमें बैक आ जाना है। तो मैं अपने सनमून का शॉर्टकट बना के यहाँ पे ला दे रहा हूँ। तो ये वाला ऐप इंस्टॉल हो जाएगा हमारे फ़ोन पर, गेम वाला। तो हमें इसमें उसे ओपन कर लेना है। मैं दिखा दे रहा हूँ, उसका आइकन भी ऐसा ही है ना। तो मैं इसको शॉर्टकट बना के यहाँ पे लाया हूँ, वरना यहाँ पे नहीं था। मैं शॉर्टकट बना के लाया, मैं लाया हूँ। इसको ओपन कर लेना है, स्क्रीन में ऐसा ही आएगा। तो ओपन करने के बाद ऐसा ही आएगा। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे जॉब से आएंगे अलाउ ये डेनी, हमें डेनी पे क्लिक करना है। डेनी पे क्लिक कर देना है, इसमें अलाउ करना है। दोनों में अलाउ कर सकते हैं, मैंने बस पहले में डेनी कर दिया, दोनों में अलाउ कर सकते हैं इसे। फिर सब हमारा लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जब लोडिंग हो जाएगा तो हमें यहाँ पे कर देना है रजिस्टर। तो मैं रजिस्टर कर रहा हूँ, ये तो फास्ट गेम करके जल्दी से कर सकते हैं। मैं तो रजिस्टर करके देख लेता हूँ, होता ही नहीं। मैं वहाँ पे रजिस्टर से गलती से नंबर की जगह वहाँ पे कुछ भी लिख रहा था, एक अकाउंट, तो वहाँ पे नंबर लिख रहा था। तो मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, मैं कैंसिल कर दूँगा, क्योंकि वो नहीं हो रहा था, नंबर का ही काम उसमें चलेगा। तो फिर हमें यहाँ पे फास्ट गेम में क्लिक करना है। तो फास्ट गेम करने से हमें डिवाइस सेव रहेगा। फिर अगर हमें सर्वर सेलेक्ट कर देख सकते हैं, सबसे अच्छा सर्वर यही है जो डिफ़ॉल्ट है,
यही वाला रिकमेंडेड सर्वर S5 नॉर्मल। तो फिर उसके बाद हमारे बहुत सारे फाइल एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, जैसे मैंने बोला था स्पेस थोड़ा ज़्यादा लेगा। तो मैंने दो फाइल जो मैंने एक फाइल इंस्टॉल करने के लिए दिया था और उसमें उसके साथ और एक फाइल आया था APK, मुझे .7 जेप वाला था, हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट कर देना उसे क्योंकि वो फोन का स्पेस खाएगा। मैंने उसे डिलीट कर दिया जब मेरा एक्सट्रैक्ट हो गया था, तो मैंने लेकिन दिखाया नहीं वीडियो पर। फिर हमें अपना करेक्टर चूज़ कर लेना है, तो फिर उसके बाद यहाँ पर कोई भी अपना नाम लिख देना है। तो मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ एस, एस से तो होगा नहीं क्योंकि बहुत लोग किसी मैं देख ले रहा हूँ होता ही नहीं, हाँ पहले से किसी ने अपना नाम एस रखा है। तो मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ 3434 एंड 4। तो ये नाम सेलेक्ट नहीं हुआ तो मैंने एंड काट दिया, ये भी नहीं हो रहा है तो इसमें थोड़ा और काट देते हैं। तो 34 नहीं, एस 35 3, तो मैंने ये नाम रख दिया है। तो इसके बाद लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर हमें गेम का ट्यूटोरियल आएगा, वही फिंगर से वहाँ पे दिखाएगा क्या करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो तब इसको खेलना थोड़ा मुश्किल, यहाँ पे इतना सारा जो है वो थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन खेलना आसान है। पहले ट्यूटोरियल बस मुश्किल लगता है, फिर उसके बाद जब हो जाता है ट्यूटोरियल कम्प्लीट तब आसान होता है। तो यहाँ पर अभी हमने मिशन टास्क कंप्लीट करने के लिए हमें जा रहे हैं, तो अभी तो बहुत टाइम लग जाएगा टास्क कंप्लीट करने में। तो मैं गेम प्ले भी दिखा ही दे रहा हूँ अभी। तो फिर हमें बहुत स्टार्टिंग में बहुत सारे अच्छे अच्छे आइटम मिल जाते हैं, फिर हम भी मेरे को बोल रहे हैं मेन्यू पे कैप्स्यूल, ये कौन सा कैप्स्यूल है। इसके साथ इस कैप्सूल को खोलने में हमें एक मिलता है रेयर कैंडी और इसमें खोलने को मिलता है टोकन। इसे मतलब हमें कम से कम कि जनरेशन के पोकेमॉन मिल जाएंगे हम से। हाँ तो हमें इसमें 6 जनरेशन तक के पोकेमॉन मिलेंगे, और इसमें अलोला रियन है तो बस थोड़ा हार्ड होगा, हार्ड नहीं होता आसान होगा। तो कम इसे इसमें हम पोकेमॉन इसमें ऑनलाइन हमें खेलना पड़ता है, इसमें हम लोग फ्रेंड्स के साथ भी खेल सकते हैं मल्टीप्लेयर। ऊपर में फ्रेंड्स का एक ऑप्शन आएगा तो उसमें क्लिक करके उसमें हम फ्रेंड ऐड कर सकते हैं। तो अभी मेरी बैटल हो रही है इससे, फर्स्ट लेवल 1 का पोकेमॉन है, मेरे लेवल 5 का पिकाचू है। तो इसमें स्पीड बढ़ाने को कहा है मेरे को, तो मैंने बढ़ा दिया है, या फिर मेरे को बोल रहा है स्पीड बढ़ाने, मैंने बढ़ा दिया थंडर शॉक। मतलब ये तो बॉट था क्योंकि ये गेम ने दिया ये वाला करेक्टर, मतलब ये जो हमारा ओपोनेंट था वो कोई मतलब कोई असली नहीं था, मतलब कोई असली में नहीं खेल रहा था ये, जैसे जिसके नाम के ऊपर में कुछ आएगा वो लोग असली में खेलता है और वो हम लोग कुछ देगा भी नहीं, तो ये लोग दे रहे हैं। जो मैंने पिकाची को विजिबल कर लिया वो हमारे साथ पीछे पीछे घूमेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग के असली लोगों के पास अच्छे अच्छे पोकेमॉन्स हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है क्योंकि मेरी नई आईडी है। मेरे पास मेरे और एक आईडी है उसमें अच्छे पोकेमॉन्स हैं, और वो वाली आईडी की गेम प्ले बैकग्राउंड में चल रही है। तो मैं ऐसे ही पहले ट्यूटोरियल कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं मैप दिए, तो अभी भी ट्यूटोरियल चल ही रहा है। इस चैनल में अंदर हमने अवेकन करने के लिए मतलब R1 R2 कुछ करके आता है, इसमें हमें अवेकन करना पड़ता है और XP लेना पड़ता है, फिर उसके बाद हमें स्टोन चाहिए होगा लेवल अप करने के लिए, स्टोन चाहिए होगा और चारमेंडर चाहिए होगा। एक चारमेंडर हमें लेवल अप करने के लिए नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा चाहिए। फिर एक पिकाची को लेवल अप करने के लिए हमें 2 पिकाची चाहिए, और मतलब पता नहीं मेरे को इतना अच्छा से याद नहीं मैंने पिकाची को कैसे लेवल अप किया था। तो सब लेवल अप करने के लिए हमें मतलब पोकेमॉन उसके चाहिए, मतलब जो पोकेमॉन हमें लेवल अप करना है उसका छोटा या बड़ा कोई भी रूप हमें चाहिए कोई भी। तो पिकाची को मैंने विकसित किया था राइचू में, तो मेरे को पिकाची लगा था बहुत सारा, तो
चार मिनटों को मैंने विकसित से चार मिलियन तक किया और मेरे को बहुत सारे पोकेमोन से पीसी पर इस जो गेम में रहता है तो उसमें हम लोग को कोई का पोकेमोन सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। इसका मैप बहुत बड़ा है, ये तो सिर्फ इस रीजन मतलब इस सिटी का है, अलग अलग सिटी में ये रहा इसका वर्ल्ड का मैप इस गेम का। इतना बड़ा भी नहीं है, तीन आइलैंड तो अलोरा रियल में तीन ही आइलैंड रहता है तो इसमें हमें मतलब पक्षी से बात करने के लिए सब मतलब वो जो जब जो जी बी एस वी डी एस स्विच निंटेंडो वो सब गेम रहते हैं इसमें ए बी सी डी करना पड़ता है, लेकिन इसमें ए बी जो भी ऐसे जरूरत नहीं है, इसमें हमें मतलब टच करके खेलना पड़ता है। कोई ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ से हम अपना अवतार भी बदल सकते हैं, एक करेक्टर भी, लेकिन करेक्टर के लिए हमें गेम की करेंसी चाहिए होगी, इंडिया की करेंसी बहुत मुश्किल से मिलती है और एक करेक्टर की एक एबिलिटी भी होती है हर एक करेक्टर की। तो डिफॉल्ट करता तो सन और मून है, यहाँ से हम अपना म्यूजिक भी चेंज कर सकते हैं और ग्राफिक्स भी, तो मैं भी लेवल पर रखता हूँ बाद में करूँगा। मैंने म्यूजिक का क्लासिकल कर दिया है, वही क्लासिकल ही अच्छा है पोकेमोन का। तो फिर तो मैं इसमें जॉयस्टिक मिलता है भगाने के लिए, तो मैं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना, तो मिलता है अगली वीडियो में।